बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि जिस तरह आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बहुत ज़्यादा टाइम से जो है बहुत ज़्यादा मसले से होते हैं कि डिस्कस करना नहीं चाहिए, लेकिन जब इंसान तंग आ जाते हैं तो वो फिर डिस्कस हो जाए तो बेहतर है। एक तो ये है कि तकरीबन 2017 के बाद, तकरीबन 18 के फर्स्ट में इसने अपना ये वेबसाइट जो है ना वो अपडेट किया है। उसके बाद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के इतने, मैं क्या कह सकता हूँ उसके लिए, लेकिन आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं और जो नर्सिंग के शोबे से थोड़ा बहुत भी वाकिफ़ है, उन सबको पता है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने अजीब सा वो जो है माहौल बनाए हैं। किसी भी रिस्पांस, किसी भी जो है कॉल मैसेज का या मेल का जो है वो रिस्पांस नहीं दे रहा, और जब आप भेज भी रहे हो तो उसका जो ऑफिशियल टाइम है उस टाइम के हिसाब से जो है आपका PNC या कोई वेरिफिकेशन या कोई भी सर्विस जो हम लेना चाहते हैं, कोई भी एक सर्विस जो है वो नहीं दे रहा। तो इसके लिए आसान सवाल ये है कि आप सब दोस्त जितने भी हैं, चाहे उसने कोई चीज़ भेजा हो या ना हो, या कोई ना कोई वास्ता तो पड़ा होगा, उन सबको पता होगा कि इसके सर्विस कितना डीले है। और इसके वेबसाइट, अगर इसके सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग ये कंप्लेंट जनरेट करें कि इसके वेबसाइट पर अगर आप लोग देखा जाए तो इसके वेबसाइट जो है ना अभी तक अपडेट नहीं है, आपको वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तक नहीं मिलता। तो इसी तरह जो है इदारे का हमें जो है थोड़ा बहुत देखना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को इसका थोड़ा सा फीडबैक देना चाहिए ताकि ये जो मनमानी चल रही है, ये मनमानी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी के लिए मेरे साथ आप लोग बिल्कुल साथ रहें, और इसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल आप लोगों ने डाउनलोड करना है, और उसके बाद जो है ना आपने जाके उसमें ये कंप्लेंट जनरेट करना है, और कंप्लेंट जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के बारे में, अगर आपके पास कोई इशू है तो वो इशू आप उस कंप्लेंट में ज़रूर जो है वो मेंशन करें। और अगर आपके पास कोई इशू नहीं है तो आप लोग ये आवाज़ उठा सकते हैं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हमारे कोई भी रिस्पांस का, कोई भी आंसर का, कोई भी जो है क्वेश्चन का जो है वो आंसर नहीं दे रहा, और अभी तक जो है कोई इस तरह, अगर ये लोग कहते हैं ना कि कोविड का है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप लोग जो है फिज़िकली कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे नहीं, हम जो है ऑनलाइन एंटरटेन करते हैं, तो ऑनलाइन कोई भी एंटरटेनमेंट्स जो है इसमें नहीं होता। तो हमें चाहिए कि इसके लिए जो है एक कंप्लेंट सिर्फ जनरेट करें, सारे के सारे जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड लोग हैं वो सब जो है ये कंप्लेंट जनरेट करें कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है अपना ऑनलाइन वर्क बिल्कुल नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ तक कि आप अगर इसके PTCL और लैंडलाइन पे जो आप कॉल भी करें तो तकरीबन 9 से 12 के दरमियान मैंने 1, 2, 3, 5 दिन जो है वो कर दिया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और मैं चाहता हूँ, मेरे उसके साथ कोई ज़्यादियात नहीं है, ना कोई बंदे के साथ कोई दुश्मनी है, तो हम चाहते हैं कि ये इदारा जो है वो सही चले, तो इसके लिए जो है ना हमारे साथ चले। और लिंक जो है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर जो है आप जाके उस लिंक में जाके आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोबाइल से आप कर रहे हो तो आप वो ऐप डाउनलोड करके साइन अप हो जाए और जाके जो है ये कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करें। इंशाल्लाह ये होगा कि हमारे नर्सिंग के मुस्तकबिल के लिए जो है सबसे बेस्ट होगा। और अगर ये इदारा जो है हमारा ये हो जाए कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इंशाल्लाह नर्सिंग जो है इसी, क्योंकि ये हमारा लीडिंग इदारा है, और वो इसी तरह अगर पढ़ा रहे तो फिर जो है हमारी नर्सिंग का अल्लाह ही हाफिज़ है। उम्मीद रही दोस्तों आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा, इंशाल्लाह इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करते रहेंगे और आप लोग इस तरह ऑनलाइन मालूमात देते रहेंगे। साथ रहिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।